दोस्तों, अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपने मोबाइल में हैंग प्रॉब्लम का सामना ज़रूर किया होगा। अब ऐसे में आपको समझ में नहीं आता कि आखिर में आपका मोबाइल हैंग क्यों करता है और इसे किस तरह ठीक किया जा सकता है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपने मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये टिप्स कौन से हैं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मैं मनोज सरू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी गैन चैनल में। टिप्स नंबर वन, डिलीट अनवांटेड फाइल्स। जी दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि आपके मोबाइल में कई सारे ऐसे अनवांटेड फाइल्स हैं जिनका आपके मोबाइल में कोई यूज़ नहीं है, जिनके वजह से आपका मोबाइल हैंग होने लगता है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उसे यूज़ करते हैं या फिर किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो ऐसे में आपके मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में कई बार कैशे फाइल स्टोर हो जाता है, जिसके वजह से आपका इंटरनल स्टोरेज बढ़ जाता है, जो कि मोबाइल हैंग होने का एक मेन रीज़न है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन सारे कैशे फाइल्स को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना है और इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे की साइड कैशे डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और इसे यहाँ से डिलीट कर देना है। टिप्स नंबर टू, फोर्स स्टॉप अनवांटेड एप्स। जो दोस्तों, आपके मोबाइल में कई सारे ऐसे ऐप्स होंगे जो कि डिलीट नहीं होते, या फिर कुछ ऐसे ऐप्स होंगे जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, तो ये ऐप्स बेसिकली आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में रैम और प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके मोबाइल के हैंग होने का एक मेन रीज़न भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन सारे एप्लीकेशन को जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, उन्हें आप फोर्स स्टॉप कर सकते हैं सेटिंग्स के अंदर जाके। तो इसके लिए सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक करें, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन मैनेजर पे क्लिक करना है, उसके बाद आप जिस भी एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप करना चाहते हैं उस पे क्लिक कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको फोर्स स्टॉप का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है, तो ये एप्लीकेशन फोर्स स्टॉप हो जाएगा। टिप्स नंबर थ्री, मूव एप्स टू एसडी कार्ड। जी दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम अपने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारे मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल होता है, जिसके वजह से हमारे मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाता है, जो कि मोबाइल हैंग होने का एक मेन रीज़न हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आप उन सारे एप्लीकेशन को जो भी आपके इंटरनल स्टोरेज में है, उन्हें आप एसडी कार्ड में मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं मूव टू एसडी कार्ड, और उसके बाद आप यहां पर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के इंटरनल ऐप्स को एसडी कार्ड के अंदर मूव कर सकते हैं। टिप्स नंबर फोर, डिलीट हैवी ऐप्स। अच्छा दोस्तों, बहुत से लोग अपने मोबाइल में कम रैम और कम इंटरनल स्टोरेज होने के बावजूद भी अपने मोबाइल में हैवी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका मोबाइल हैंग हो सकता है। तो अगर आपके मोबाइल में भी कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि हैवी है और आपके मोबाइल में कम रैम है, कम इंटरनल स्टोरेज है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन सारे एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दें, उन एप्लीकेशन की वजह से ही आपका मोबाइल हैंग हो रहा है। टिप्स नंबर फाइव, अवॉइड मल्टीटास्किंग। जी दोस्तों, बेसिक स्मार्टफोन मल्टीटास्किंग के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में कम रैम है, कम इंटरनल स्टोरेज है या फिर अच्छा प्रोसेसर नहीं है, तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल में ज्यादा मल्टीटास्किंग ना करें। ज्यादा मल्टीटास्किंग करने से आपके मोबाइल में ज्यादा रैम यूज होगा, ज्यादा प्रोसेसर यूज होगा, जिसके वजह से आपका मोबाइल हैंग करने लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप मल्टीटास्किंग में जो भी आपने एप्लीकेशन को ओपन करा है उन्हें आप क्लोज कर सकते हैं, जिसके वजह से आपके मोबाइल में कम रैम यूज होगा और आपका मोबाइल काफी हद तक कम हैंग करेगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने मोबाइल में हैंगिंग प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, और आपने अभी तक मुझे सोशल मीडिया जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो नहीं करा तो आप वहां पे जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय,